सलाम वालेकुम भाईजान। यार देखो खाना पकाया, कोशिश करी है मैंने, कढ़ाई नुमा चीज़ कुछ बनी है, देखो पसंद आई नहीं आए। गाजर भी काटी है साथ में, वैसे तो सैलेड रखी हुई है मैंने अलग से। देखो मैं सलाम वालेकुम। हाँ वैसे चमचा चलाने का वक्त आ गया है, चमचा चलाते हुए दिखाता हूँ। नया नया मैंने अब यार ये इस तो पतीली पकड़नी पड़ती है ना, क्योंकि अपनी जगह पे फिट नहीं रहती। तो हम चमचा बाद में चलाएंगे जब पतीली पकड़ेंगे, जब एक हाथ से कैमरा पकड़ के चमचा नहीं चला सकते। अभी मैंने टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छा था। गाजर खाएंगे? हेलो बाबू, पीछे खवातीन की आवाज़ आ रही है ना, हम उस पर शक मत करना। रिफ्यूज है टीवी में भैया, तो मैंने खुद ही खाना पकाया, किसी और की मदद नहीं ली है। सफाई वफाई करके घर की मैं एकदम एकदम फिट फाट कर दिया घर में, जबरदस्त एकदम, सिवाय इस चप्पल के जो मैं सुबह उठ के पहनूंगा, क्योंकि सुबह मैं कॉलेज जाना है। एक साफ सुथरा बाथरूम, एक साफ सुथरा कमरा है, बाकी ये मेरा कमरा है। ये कमरा बिल्कुल अच्छा हो रहा है आज पहली दफ़ा, अपार्ट फ्रॉम दिस। लेकिन ये यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है कि कपड़े सुखाने अंदर पड़ते हैं, तो अंदर रखे, लेकिन बहुत तरीके से रखे मैंने। ये मेरा बैग लटका हुआ है, जाए नमाज है, बाकी एकदम फिट हो रहा है कमरा। इंस्पेक्शन हो रही है जैसे पाकिस्तान नेवल अकेडमी में इंस्पेक्शन होती है। सुबह सुबह होगी इंस्पेक्शन। आइए वापस आपको बावर्ची खाने की तरफ ले चलते हैं। हो गया, अब मैं चमचा हिलाता हूँ, तो उस वक्त तक आप कुछ और करें। गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने पतीली बहुत छोटी ले ली, अब इसमें मुर्गी को घुमाने की जगह नहीं है। हाल के पकाई तो मैंने आधी मुर्गी है, मैंने कहा पूरी क्यों लाया करूँ मैं, लेकिन आधी में बहुत अच्छा टेस्ट बना, आधी बाद में बना लेंगे। ऑलमोस्ट खाना तैयार है, इसके बाद ऊपर हल्की सी हरा धनिया छिटेंगे और इंशाल्लाह फिर सब कुछ रेडी है। होपफुली आपको पसंद आएगा। क्या लेने आया था? सैलेड। कोक निकाल ही लो, ठंडी हो रही है बस।